हमीरपुर के अमरोह में वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रहा। कुश्ती में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी शिरकत की। पीर बाबा लखदाता महादंगल झनियारी देवी के सौजन्य से आयोजित कुश्ती में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए। खासकर हरियाणा से आई हुई लड़कियों की कुश्ती को देखकर हर किसी ने दांतों तले अंगलियां दबा ली। पीर बाबा लखदाता महादंगल झनियारी देवी के आयोजक रविंदर दर्जी ने बताया कि लड़कियों के लिए भी कुश्ती करवाई जा रही है ताकि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्होंने बताया कि मेरी बहन राखी जो कि शासन पंचायत की प्रधान है और उनके प्रयासों से कुश्ती के आयोजन के लिए सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि 31,000 रुपये विजेता और रनर अप के लिए 21,000 रुपये का इनाम राशि भी दी गई। उन्होंने बताया कि छिंज कमेटी के अध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी के मार्गदर्शन से ही हर साल बढ़िया से कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका। एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं झनियारी देवी में, जहां पे पीर लखदाता महादंगल चल रहा है। यहां पे आपको बता दें कि यहां पे जो है लड़कों के साथ साथ देश भर से 50 लड़कियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, तो यहां पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन लड़कियों ने। आइए जानते हैं यहाँ के प्रधान जो हैं उनसे कि उन्होंने किस प्रकार इसको मतलब क्या क्या स्ट्रगल किए इसको स्टार्ट करने में, कब से ये स्टार्ट किया हुआ है और कब से ये चल रहा है मतलब। हेलो सर। Hello. सर आप इस दंगल की कुछ विशेषता बताइए हमें। ये दंगल जो हम करवा रहे हैं, ये दंगल पिछले 4-5 सालों से करवा रहे हैं। पहले ये दंगल एक दो साल हमने लड़कों का करवाया, फिर उसके बाद हमने इस दंगल में लड़कियों को भी बुलाया। हम लड़कियों को इसलिए बुलाते हैं कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं रही, हर फील्ड में लड़कियां आगे जा रही हैं। तो साथ में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो इसलिए हमारा मेन फोकस दंगल में लड़कियों के ऊपर ही होता है। तो इस बार हमने 50 लड़कियां बुलाई थी, जो जम्मू, पठानकोट, हरियाणा, हिमाचल की लड़कियां थी। और इस सर यहाँ पे मतलब इस बार फर्स्ट टाइम है जो लड़कियों को बुलाया है मतलब इस दंगल के लिए? नहीं, हमने पहले भी लड़कियां बुलाते, फिर पहले हम 2-3 इतनी लड़कियां आती। इस बार हमने 50 लड़कियों को बुलाया और ये लड़कियां नेशनल तक खेल चुकी हैं। तो यहाँ पे जो ये दंगल हो रहा है, तो जो जो जीतेगा, जो विजेता है, उसको क्या प्राइज रखा हुआ है आपने इस दंगल में? जो बड़ी माली है उसमें 31,000 और रनर अप 21,000 और छोटी माली में 21,000 विनर और 15,000 रनर अप है। सर यहाँ की खासियत जो होती है वो क्या खासियत है मतलब यहाँ पे? दंगल की ये खासियत है कि इस दंगल में हमारा मेन ध्यान लड़कियों के ऊपर होता है। मेन कुश्ती हम लड़कियों की करवाते हैं। तो इस बार हमने लड़कियों का भी फर्स्ट प्राइज 11,000 रखा और रनर अप 9,000 रखा। तो मेन हमारा इसमें लड़कियों का ही, क्योंकि मेरी सिस्टर जो इस गांव की प्रधान है, वो उसने हमें ये इस बात के लिए उत्तेजित किया कि इस दंगल में लड़कियों के लिए भी दंगल करवाया जाए। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने लड़कियों को ये प्लेटफॉर्म दिया, उनको अपनी जो मतलब जो भी हुनर है उनका, उसको हुनर को जो है वो निखार मतलब यहाँ पे उनका पता चलता है कि उनमें क्या हुनर है और किस तरह से वो उसको एक्सप्रेस कर रही है। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर। वहीं शासन पंचायत की प्रधान राखी जसवाल ने बताया कि दंगल में बाहरी राज्यों से भी पहलवान आए हुए हैं और सुबह से ही दंगल चला हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से दंगल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लड़कियां आज के समय में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, इसलिए पहलवानी में भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुश्ती में लड़कियों को बुलाया गया है। आइए मिलते हैं राखी जसवाल जी से और जानते हैं कि उन्होंने इस दंगल को स्टार्ट करने में क्या क्या खासियत है इस दंगल की और कितना समय हुआ है इस दंगल को स्टार्ट हुए। हेलो मैम। हेलो मैम, इस दंगल की क्या खासियत है? इस दंगल की खासियत यह है कि यहाँ पे जो है लड़कियाँ जो है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अन्य राज्यों से आई हुई हैं, तथा साथ में लड़कों की भी छिंज करवाई जा रही है।
जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ का और पहलवानों का उत्साह जो काफ़ी अच्छा है। और हमें लगता है कि छिंज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश कुमार दर्जी जी तथा साथ में कमेटी के प्रधान रविंदर कुमार जी तथा उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से इसका सफल आयोजन करवाने में बहुत मदद की है। मैम इसको कितने साल हो गए इसको आयोजित, कितने सालों से जो आप इसको आयोजित कर रहे हो? लगभग 3 साल से इसका हम आयोजन कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। आपने क्या सोच के मतलब लड़कियों को यहाँ पे बुलाया आपने? हमने लड़कियों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि एक तो जो हमारे यहाँ पे देखने आ रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ जाता है, ठीक है। और लड़कियाँ जैसे कि आपको पता है किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो वो लड़कों के साथ पूरी तरह से इस पहलवान कुश्ती में पूरा मुकाबला कर रही थी। और आपने देखा कि सभी जो भी मुकाबले हुए लड़कियों और लड़कों के उसमें लड़कियां विजेता रही। हाँ जी, लड़कियों की तो बात ही अलग है। इस बार तो उन्होंने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि लड़कियों को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया अपना हुनर दिखाने के लिए। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जनता को अभी? मेरा मैसेज ये है कि जैसे हम अन्य खेलों को खेलते हैं देखते हैं तो हम इस कुश्ती को भी उतनी ही दिलचस्पी से देखें। और लड़के और लड़कियों के जो हम ये मतलब कुश्ती का आयोजन किया जाता है उसका उतने ही लगाव के साथ देखें जैसे कि हम किसी और अन्य खेलों को देखते हैं और लड़कियों को सपोर्ट करें। मैम यहाँ पे जो लड़कियों की अभी कुश्ती हुई तो उसके लिए क्या प्राइस रखा है? लड़कियों के लिए अलग है या लड़कों के जैसे लड़के और लड़कियों के लिए बराबर है या अलग अलग है? नहीं, लड़कियों का प्राइस अलग है और लड़कों का प्राइस अलग है, वो भी बराबर उतना ही है जितना लड़कों का है। क्या प्राइस है फर्स्ट सेकेंड जैसे थर्ड? फर्स्ट प्राइज जो है 31,000 है और सेकेंड प्राइज जो है 21,000 है। दंगल के आयोजक नरेश दर्जी ने बताया कि हर साल दंगल का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है और पहलवानों ने बढ़ चढ़ कर आज भी दंगल में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि दंगल लड़कियों के हौसले को बुलंद करने के लिए करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दंगल में हिमाचल से बाहरी राज्यों से भी पहलवानों ने हिस्सा लिया है जिससे जनता ने भी खूब आनंद उठाया है। सर ये जो दंगल था आज का ये कितने सालों से चल रहा है? ये कम से कम 8-10 साल से चल रहा है और इस दंगल को बढ़ाने के लिए हम हर साल नया प्रयास करते हैं और आने वाले समय में जो नेक्स्ट दंगल जो होगा तो ये 2 दिन का रखा जाएगा। एक दिन जो है वो लड़कियों का ही होगा और दूसरा दिन जो है वो पहलवानों का होगा। और ये लड़कियों का दंगल इसलिए करवा रहे हैं कि टीवी में भी आ रहा है हर जगह पे बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ, तो हम लड़कियों को हौसला बुलंद करने के लिए इस दंगल को ज़्यादातर लड़कियों को मान्यता देते हैं। और आने वाले कम समय में इस बार लगभग 50 लड़कियों के करीब बाहर से आई हुई थी, कुछ हिमाचल की थी, तो नेक्स्ट समय में जो है इसे दुगना करवाया जाएगा। सर लड़कियों का इस बार पहली बार था या पहले भी आपने करवाया है? इससे पहले भी एक बार, पिछली बार भी हमने जो पिछले वर्ष भी जो है हमने लड़कियों का दंगल करवाया हुआ। तो पिछली बार कितनी लड़कियां आई थी? पिछली बार 30 थी और इस बार जो है 50 थी। मतलब इस पर इम्प्रूवमेंट है, बड़ी हैं लड़कियां। हाँ जी, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उस ढंग से जो है हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और एक दिन हम इतना प्रयास करेंगे कि जो ये छिंज जो है स्टेट, पहले तो स्टेट लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे इसको। ओके सर, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि लोगों का जो है मनोरंजन होता है और लोग ये महसूस करते हैं जब लड़कियों का दंगल कराया जाता है तो वो महसूस करते हैं भी कि जो लड़कियां भी है जो लड़कों से कम नहीं है। वो तो देख लिया आज की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बराबर ही है या उनसे ज्यादा ही है क्योंकि लड़कियों ने जो है लड़कों को हरा दिया इस बार। ये तो पिछली बार भी वैसा ही हुआ था। अच्छा, तो लड़कियों के लिए क्या प्राइस रखे थे आपने? लड़कियों को हमने रखा हुआ था, वैसे ही उनका आने जाने का किराया रखा उठाया हुआ था 50 लड़कियों का, तो उनको कम से कम 1.5 लाख रुपए का करीब तो वैसे ही उनको हमने दिया। और जैसे बीच में जो उनकी कुश्ती कराई उनका उनको अलग पैसे दिए
20,000 के करीब उनको लग दिया, और वैसे और लड़कियों का माली जो भी थी वो 31 और 21 के बीच में भी रखी हुई थी, वो हौसला बुलंद करने के लिए रखी हुई थी। और लड़कों के लिए क्या रखे हुए थे प्राइस? लड़कों के लिए 21 और 15 की थी और 1 और 9 और 11 की थी। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जनता को ये महसूस हम संदेश देना चाहते हैं कि इन चीज़ों का, जैसे मेले हैं, ये छिंज है, ये कोई भी जो है, तो इसको जो लोग बढ़ोतरी दे, इससे लोगों का आपस में मेल मिलाप हो जाता है और लोगों का मनोरंजन हो जाता है। और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लड़कियों को ये संदेश देना चाहते हैं हम कि आगे, इससे आगे बढ़े, और आज लड़के तो पीछे ही हैं और लड़कियां आप समय आने पे इनसे दुगनी हो रही हैं। किसी भी पोस्ट पे ले लो, चाहे IAS पे ले लो, HS पे ले लो, लड़के पीछे हैं, लड़कियां आगे हैं, और हमारी इनको यही प्रेरणा है कि ये इससे भी दुगना आगे बढ़े। और इस बीच जो है ग्राम पंचायत शासन की, मेरी एक अपनी खुद की लड़की जो प्रधान है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में या तो वो कोई ऑफिसर बने, नहीं तो फिर राजनीति में आगे MLA या 11 की सीट पे पोस्टेड हो। बहुत अच्छी बात है, और सर बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, और जो मतलब जो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां जो वो नाम रोशन नहीं करती हैं, नाम डुबोती हैं, वो बहुत ही गंदी सोच है उन लोगों की। और मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो जो भी लेडीज़ ऐसे सोचती हैं कि मतलब कि लड़कियों को नहीं आना चाहिए, वो भ्रूण हत्या जैसा माँ बाप करती हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको बेटियों को जो है वो इस दुनिया में लाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर अपने माता पिता का जो है वो नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।